हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो लोड केसेस स्टडी करने के बाद कि कैसे हम लोग लोड केसेस स्टैट्रो के अंदर बनाते हैं, प्राइमरी लोड केसेस बनाते हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट लोड केसेस के ऊपर वर्क करने के बाद सारे लोड केसेस जैसे हम लोगों ने बना दिए, अब आगे जो बात आती है वो बात आती है हमारी कॉम्बिनेशंस की, कि कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनेंगे आपके यहाँ। आपके यहाँ पे जैसे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जैसे मैं अगर बात करती हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की, तो जितना भी काम होता है हमारा स्टैट्रो के अंदर वो होता है लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू, LSM के थ्रू। उस चीज़ की आपको, सारी चीज़ों की बहुत ही प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको LSM के बारे में नहीं पता तो यू जस्ट हैव टू रीड दिस मेथड, राइट। तो अगर मैं लिमिट स्टेट मेथड की बात करती हूँ तो ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें दो आपके लिमिट स्टेट्स होते हैं, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सर्विसिबिलिटी कौन से पे डिपेंड करता है? ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे एक नोट है हमारे पास में, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रक्चर शैल नॉट बी लेस देन डिजाइन वैल्यू, एंड दैट डिजाइन वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन लोड कॉम्बिनेशंस, कि जो भी आपकी डिजाइन वैल्यू है उससे कम तो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन होगा नहीं, राइट। तो रेजिस्टेंस उतना तो आएगा नहीं, तो हमें उससे ज्यादा, डिजाइन वैल्यू से ज्यादा के ऊपर हमें जो लोड कॉम्बिनेशन है वो बनाने पड़ते हैं एज पर IS 456-2000। तो उन्हीं के बेसिस पे आपका सारा कुछ काम यहाँ पे होता है। तो मैं थोड़ा लिमिट स्टेट के बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ होता है इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिमिट स्टेट्स के बारे में आपको बता रही हूँ कि लिमिट स्टेट्स जो होती है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती है फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर बिफोर फेलियर ओकर्स, राइट। तो ये क्या है, ये हमारी मेंटेन करती है स्ट्रक्चर को, विल नॉट जस्ट फेल एंड कॉलेप्स बाई एक्सीडिंग द लिमिट स्टेट्स, कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स को क्रॉस करती हुई यहाँ पे ना तो फेल होगा ना आपका कॉलेप्स होगा, राइट। तो जो आपका लिमिट स्टेट्स होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती है। अब लिमिट स्टेट्स जो है वो डिवाइडेड है टू फॉर्मेट्स के अंदर, वो होता है एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में मैंने क्या बताया था, इट डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर मैक्सिमम डिजाइन लोड। मैक्सिमम डिजाइन लोड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कितना वो स्टेबल है उस पर्टिकुलर मैक्सिमम डिजाइन लोड के अंडर, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आपको बताता है। और अगर मैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करती हूं तो वो क्या करता है, इट डील्स विद डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग अंडर सर्विस लोड, कि जो आपका सर्विस लोड है उस लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आता है बिल्डिंग के अंदर, कहाँ कहाँ पे क्रैकिंग आ सकती है, तो वो आपका यहाँ पे सर्विसिबिलिटी जो है वो बताता है। ड्यूरेबिलिटी अंडर वर्किंग एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, तो ये सब कुछ आपका क्या करता है, ये आपका सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी आपको बताता है, राइट। तो ये तो आपके क्या हो गए, ये डिफरेंट टाइप्स हो गए हैं आपके लिमिट स्टेट्स के। और प्रॉपर तरीके से ध्यान रहे कि स्टैट्रो जो है वो आपका लिमिट स्टेट के अंदर ही वर्क करता है, राइट। तो ये आपका यहाँ पे था कि किस तरीके से आपका लिमिट स्टेट वर्क करता है। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद, जैसे कि मैंने ये अभी बताया, मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लोड। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे डिजाइन लोड लग गया, तो अब ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि मैं एग्जैक्ट उसी वैल्यू के ऊपर, उस डिजाइन वैल्यू के ऊपर ही मैं अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करूँ, राइट। तो
आपका वहां पे एक तरीके से कॉम्बिनेशन, जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाए जाते हैं एज पर IS 456-2000, राइट। तो वो लोड कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, वो लोड कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से हैं आपके, जैसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस। अब जैसे आपने डेड लोड लगा दिया, आपने लाइव लोड लगा दिया, आपने वहां पे अर्थक्वेक लोड लगा दिया, आपने वहां पे विंड लोड लगा दिया, तो वो सारा कुछ क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड केसेस आप जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आप एग्जैक्ट उन डिजाइन वैल्यू के ऊपर, तो एग्जैक्ट उन ही वैल्यू के ऊपर तो अपना स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे नहीं, क्योंकि जो लोड वो रियल में लग रहा है सिर्फ वही है। अब इन फ्यूचर का हमारी स्टेबिलिटी देखते हुए, स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस पावर देखते हुए, स्ट्रेंथ देखते हुए, हमें उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टीज के अंदर वर्क करना पड़ता है। तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टीज आपके यहाँ पे आपकी गिवन है कि अगर डेड प्लस लाइव लोड यहाँ पे ऐड हुआ तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, 1.5, ठीक है। और इसी तरीके से अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर अगर मैं यहाँ पे ऐड करके और एनालाइज कर रही हूँ, तो वहां पे फैक्टर 1 ही होगा, राइट। इसी तरीके से डेड लोड प्लस विंड लोड ऐड हुआ तो 1.5, एंड यहाँ पे भी 1.5, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब तीनों ऐड होते तो 1.2, राइट। और यहाँ पे ये आपका सर्विसिबिलिटी के अंदर है। बेसिकली हम कोलैप्स के अंदर ही अपने जो एनालिसिस है वो करवाते हैं, राइट। तो ये चीज आपके यहाँ पे आती है कि वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ, देखो यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। तो ये सब कुछ है आपके पास में। अब इसमें नोट भी गिवन है, व्हाइल कंसिडरिंग अर्थक्वेक इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूट EL for WL, कि अगर आप अर्थक्वेक इफेक्ट के साथ में ऐड करना चाहते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, डब्ल्यू एल की जगह क्या करते हैं, EL कर दें, राइट। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज आती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं। अब चलते हैं स्टैट प्रो के अंदर। अब जैसे मेरे पास में जो मैंने प्राइमरी लोड केसेस थे वो हमने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे ये आपके प्राइमरी लोड केसेस, ये आपके कॉम्बिनेशंस जैसे कि मैंने बनाए हुए। अब मैं इन कॉम्बिनेशंस को ना डिलीट कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, राइट। तो वो कॉम्बिनेशंस आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि मेरे पास में ये जो एग्जांपल है, ये हमारे पास में है स्टील का, कि स्टील का वाटर टैंक है। अब इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पे बनाना है कि कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनाने हैं, तो आप लोड केस डिटेल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आएगा डिफाइन कॉम्बिनेशंस एंड ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशंस, ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस, राइट। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन कंक्रीट और RCC डिजाइन के अंदर हम लोग यूज करते हैं 1.5, और अगर मैं यहाँ पे स्टील डिजाइन कर रही हूँ तो 1.15, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे जैसे, अगर मुझे यहाँ पे जैसे मैं स्टील डिजाइन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1.15 ऐड करके और मैं यहाँ पे इसको सारे लोड केसेस को इधर इंपोर्ट करा देती हूँ, देन ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स आपका बन गया, राइट। यहाँ पे ये तो था क्या, मैन्युअली। और अगर मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनाने का है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशंस पे जाइएगा, कोड यूज कीजिएगा अपना इंडियन कोड, जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस, एड एंड देन ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस आपके बन गए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोड के बेसिस पे, राइट। तो ये 1.5 एंड 1.15 किसके लिए था, ये डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिफरेंट लोड टाइप्स लगाए हैं तो उसके लिए फैक्टर्स बदल जाते हैं। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो यूज आपका कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है आपका ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोड को मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे आपको और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप इसके कॉम्बिनेशन जो लोड है वो जनरेट कर देता है, राइट। ये तो था आपका कंप्लीट इस तरीके से कि आप कैसे यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशंस जो है वो बनाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।